जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नैक्सर। मौर्य स्नैक्सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सूचना मिली है बस्ती डिस्ट्रिक्ट के बेरता मार्केट के जस्ट पास संसारपुर गांव से मौका पे हम पहुंच चुके हैं। भाई साहब के द्वारा सूचना दी गई है कि यहां पर दीवार के किनारे इंडियन रसल स्वाइपर झरचंदा स्नैक बैठा हुआ है, जो कि खरपतवारों में ही बैठता है। हालांकि वो धूप के इंतजार में, धूप है किंतु वो दीवार के किनारे सटा बैठा हुआ है, तो वो धूप का इंतजार कर रहा है। तो हम मौका पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू करके सुरक्षित फॉरेस्ट में रिलीज किया जाएगा। मौका पर पहुंच चुके हैं, सर बताइए कहाँ दिखा है। रसल जी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये रसल स्वाइपर आप देख रहे हैं यहाँ पे खरपतवार के बीच में बैठा हुआ है, और ये खास करके खरपतवार में ही बैठा करता है। और इसके अंदर हिमोट पक्षी नाम का जहर पाया जाता है, जो कि बाइट करता है, तो नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, ब्लड के टिश्यू को भी डैमेज कर देता है ये। और ये प्राय कुंडली मार के ही बैठता है और छलांग लगा के बाइट करता है, आप देख सकते हैं ये। तो हम इन्हें यहाँ से निकालते हैं, हालांकि अब इनके उग्र रूप को देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसके खतरनाक रूप को। इसी प्रकार ये कुंडली मार के बैठता है और कुकर की जैसी ये आवाज करते हैं कि जब इसे खतरा महसूस होता है तो इसी प्रकार ये कुंडली मार के बैठ जाता है और अपने सिर को अपने शरीर के ऊपर रखता है, ताकि इसके करीब कोई आए तो ये छलांग मार के बाइट कर ले। और ये बाइट करता है तो इसका बाइट करना फाल्स नहीं होता, ये जब भी बाइट करता है जहर डाल ही देता है। तो हम इस रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नैक को यहाँ से रेस्क्यू करते हैं। हालांकि इसके साउंड को सुन करके हमें भी डर लग रहा है, हमें भी डरा दे रहा है। और ऐसे बैठे बैठे ये अचानक के छलांग मार के बाइट कर लेता है। हालांकि ये अलर्ट कर रहा, सावधान कर रहा, हिटिंग साउंड दे रहा है कि आप हमारे सामने से हट जाएं वरना हम हादसा कर देंगे। तो इनका स्वभाव हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये कहीं पे होते हैं तो जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अलर्ट करते हैं, ये होना भी चाहिए। तो हम इन्हें यहाँ से ले चलेंगे रेस्क्यू करके, इनके नेचर में प्राकृतिक परिवेश में इन्हें रिलीज करेंगे। इतना तेज साउंड करता है जैसे लगता है किसी गाड़ी का पहिया पंचर हो रहा है, इतना लंबी सांस भरता है ये रसल स्वाइपर झरचंदा स्नैक। खास पहचान होती है इसके पूरे शरीर पे गोल 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 ये चैन नुमा आकृति बनी हुई होती है, तीन लाइनों में, एक बीच में होता है, एक साइड में, एक इस साइड में। अब ये बाइट करने की स्थिति में बना हुआ है, तो हम इन्हें यहाँ से ले चलते हैं और पैक करते हैं, और पैक करके इनके वास्तविक घर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे, क्योंकि इंसानी बस्ती का जीव नहीं है। और इस रसल स्वाइपर को हम यहाँ से ले चलते हैं। रसल स्वाइपर झरचंदा नाम से जान जाते, हाँ ये काटता है, बहुत तेज काटता है, साउंड भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे चलता है, कभी तो चलता है जैसे लगता है चलना ही नहीं जानता, और कभी इतना तेज चलता है कि ब्लैक माबा को भी ये फेल कर देता है। हाँ
तो आप देख सकते हैं इसकी मधुरी चाल को। अब ये काटने की मुद्रा बन गया। ये छलाक ले लेता है तो इसका छलाक कभी खाली नहीं जाता, वार खाली नहीं जाता है। हाँ, छलाक लिया तो काट ही लेता है। इतना सटीक निशाना लेके कूदता है, इसका निशाना चूकता नहीं। तो इस इंडियन रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नेक को हम पैक करते हैं। इसकी हीटिंग साउंड को सुन सकते हैं। तो इस इंडियन रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नेक को हम थैले में डाल चुके हैं। इस स्नेक को हम पैक कर चुके हैं। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस इंडियन रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नेक को लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका वास्तविक घर फॉरेस्ट ही होता है। इंडियन रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नेक को हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। इनके लिए अनुकूलित जगह होती है और यहाँ पर वृक्षों के ढेर सारे पत्ते होते हैं जिसके अंदर ये छिपके एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। ये ठंड का महीना है और ये ऐसा स्नेक होता है कि इसके ऊपर ठंड का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, और इसे हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर रिलीज करेंगे, यहाँ पर जाएगा अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा। निर्भय होकर करना चाहता है, यहाँ पर जाके अपने आप को एडजस्ट करें, क्योंकि ये फॉरेस्ट में जाने और स्नेक अपने प्राकृतिक प्रवेश नेचर में जा चुका है। हमारे जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।